और वही लड़के, हैप्पी बर्थडे, क्या सीन है? थैंक यू भाई, फ्लैट पे आ जा, दारू पियेंगे मस्त। भाई तुझे तो पता है मैं दारू नहीं पीता। ओ सुन रामिना, मेरे सामने मत कर, पीनी पड़ेगी आज तुझे। नहीं 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 यार, नहीं यार, शाम को आ जाइयो फ्लैट शांति से। चल बाय 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 बाय। यार 10 साल से दोस्त हम, ठीक है, बट मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि इनको हर बार दारू पीनी जरूरी क्यों होती है इतनी। और चलो ठीक है, तुम पीते हो तो इतनी तो मत पीना कि मतलब औकात ही भूल जाओ तुम अपनी। ऐसे ही पीते हैं दारू जैसे कल है ही नहीं भाई, कल देखे ही नहीं पाएंगे ये जिंदगी में। और फिर पता है क्या होता है, ये इतनी पी लेते हैं ना हेकड़े दिखाने के लिए कि जैसे अमृत हो, दारू ना हो, और उसके बाद आउट भी हो जाते हैं, संभलती तो है नहीं इनसे। उसके बाद हम जैसे नॉन ड्रिंकर्स को पता है क्या बोले, भाई तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है भाई, कोई दिक्कत होगी ना जिंदगी में अपने भाई को याद करना, सब ठीक कर दूंगा। अबे तेर से अपने नशे नहीं संभल रहे तो मेरी जिंदगी खाक संभालेगा? और मुझे एक बात बताओ ना, क्या इनको समझ में नहीं आता नॉन ड्रिंकर वाला कॉन्सेप्ट? तू दारू नहीं पीता, जा जाके पोगो देख। भाई दवा समझ के पी लेना। अरे इसको दारू मत समझ, दुखों का निवारण है, निवारण। अबे अगर तेरे को दुखों का निवारण चाहिए तो जहर पी ले एक ही बार में, खेल खत्म, खेला ही खत्म, जिंदगी खत्म, सारे दुख खत्म। और एक बात बताऊं आपको, इनको ना सिर्फ बहाने चाहिए होते दारू पीने के, खुशी हो दारू पी लो, गम हो दारू पी लो, स्ट्रेस है तो भी दारू पी लो, त्योहार है तो भी दारू पी लो। अरे अभी नवरात्रे शुरू हुए थे तो उससे पहले की दारू पी थी इन्होंने, अब नवरात्रे खत्म हुए तो उसके बाद की दारू पिए, मतलब हद है, दारू पीते जाओ। और इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट समझते ना ये लोग अपने आप को, कि जैसे आपको देखकर आपकी पूरी फैमिली हिस्ट्री और बैकग्राउंड सब बता देंगे। तेरा तो मुझे तो कोई धर्म वर्म का सीन लगता है, इसलिए दारू नहीं पीता है। तेरे घर में कोई दारू नहीं पीता है? पीते होंगे, छुप छुप के पीते होंगे, तो भी थोड़ा छुप छुप के लगा ले एक दो। अबे क्यों पीते होंगे बे? नहीं पीते, कोई खाना थोड़ी जिसके मैंने जी नहीं सकते मेरे घर वाले। और अगर इनके ये भी सारे शस्त्र नाकाम हो जाते ना, फिर ये निकाल के लाते एक बड़ा वाला ब्रह्मास्त्र। कौन सा? पूरी मेडिकल रिसर्च वाला। ब्रो तू बियर पीना, पथरी नहीं होगा कभी। तू विस्की पीना, वेट लॉस होगा। क्यों मैं जिम ना जाऊँ, मेहनत ना करूँ? जुकाम है? अरे गर्म पानी में रम डाल के पी ले, दवाई है। अरे मैं दवाई पे पैसे ना खर्च कर लूँ, मैं क्यों खर्च करूं दारू पे? और एक इनका ना यूनिवर्सल आर्गुमेंट होता है, बताऊं कौन सा? ब्रो तू दारू पी और चिल कर। अबे कौन से संविधान में लिखा है भाई कि दारू पी के ही फन हो सकता है? और मेरे को एक बात बताऊं ना, कुछ लोग तो ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। ब्रो तू दारू को ना दारू की तरह मत देख, दारू इज फ्रीडम। तेरे अंदर की जितनी भी हिचकिचाहट है ना, वो ये दारू दूर कर देगी, बिकॉज दारू इज फ्रीडम। और ऐसा मजाक उड़ाते हैं ना हमारा, ऐसे ट्रीट करते हैं हमको बच्चों की तरह, अली 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 अली, अभी तक ऑरेंज जूस ही पी रहा है, अरे ये पकड़ पैक, कटक जा। वो देख लड़की भी दारू पी रही है, अभी तू कब मर्द बनेगा, दारू पी। अबे लड़कियां तो और भी अच्छे अच्छे काम कर रही है समाज में, कुछ और इंस्पिरेशन ले लो। और दारू पीने से कौन सा जेंडर डिफाइन हो जाता है भाई तुम्हारा, ठीक है? और समझ यार, मैं तो कभी नहीं जानना चाहता इनकी पार्टीज में, तब भी ये खींच के लेके जाते हैं, चल चल ना, अरे चल ना, चलो ठीक है, बंदा चला जाता है। उसके बाद ये बोलते हैं दारू पी, अरे नहीं पीनी यार दारू। उसके बाद फिर से घमासान होता है कि तू दारू नहीं पीता। चखने पे अगर कभी हाथ डाल देना तुमने, वहाँ पे तो भैया मौत आ जाएगी, मौत। अब मुझे बता दो ना तुम लोग कि क्या करें नॉन ड्रिंकर, पार्टी में अटेंड करे, किसी की सेलिब्रेशन में न जाए, गले में फांसी लगा ले और मर जाए? और मेरा तो हो गया दिमाग खराब, ठीक है मैं जा रहा हूँ, ना मेरे को इसकी पार्टी अटेंड करनी है, ना मुझे किसी से कोई बात करनी है, ठीक है? और अगर आप किसी को जानते जो आपको ऐसी तड़पाते हैं ना, उसे कमेंट में टैग करो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। बाय।